प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सिद्ध करो कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू कॉस 2a। आपको सिद्ध करना है LHS में दिया गया व्यंजक का मान RHS में दी गई व्यंजक के मान के बराबर है। इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। जब किसी प्रॉब्लम को LHS से हल करते हैं तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, उसके बाद LHS में जो व्यंजक दिया होता है वह व्यंजक लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने LHS और LHS में जो व्यंजक दिया है cos टू दी पावर 4a माइनस sin टू दी पावर 4a। अब इसके बाद इनमें सूत्रों का, सर्वसमीकरणों का, नियमों का प्रयोग करते हुए हम इसका मान RHS के मान के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं यदि x की पावर 4 लिखा है तो हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की होल पावर 2। तो इसी नियम के आधार पर इसके स्थान पर लिख दिया हमने cos स्क्वायर a की होल पावर 2 माइनस, और इसके स्थान पर लिख दिया sin स्क्वायर a की पावर होल 2। फिर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए का काम कॉस स्क्वायर कर रहा है और बी का काम साइन स्क्वायर कर रहा है। तो इसमें जब हम ये सर्वसम्मिका लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, तो फल प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर होता है और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान cos 2a के बराबर होता है। इन दोनों मानों को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a के स्थान पर 1 लगा देंगे और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के स्थान पर cos 2a लगा देंगे। इन दोनों राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा का निर्माण माना जाएगा। अब 1 की और cos 2a की गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा cos 2a। अर्थात नियमों के आधार पर चलते हुए LHS का मान उतना ही आ गया जितना RHS में हमको लाना था। तो हम प्रश्न को अब रोक देंगे और लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड इट, अर्थात यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।